हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर फर्स्ट क्लास किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम टू फिनिक्स इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स। वेलकम टू अवर हिंदी क्लास। माय सेल्फ कनीस फातिमा, आई एम योर हिंदी टीचर। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करेंगे अपनी। मैं कौन हूँ? आपकी हिंदी टीचर हूँ ना। चलिए आज की अपन क्लास शुरू करेंगे, ओके? चलिए बच्चों, देखिए आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे। व्यंजन पढ़ेंगे, ओके? व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? ये आपको पहले ही प्रीवियस क्लास में बताया है ना बच्चों। व्यंजन किसे कहेंगे, किसे कहेंगे व्यंजन, याद है आप लोग को? क से लेकर ज्ञा तक लिखने के लिए, क से लेकर ज्ञा तक लिखेंगे तो उसे व्यंजन बोलेंगे, ओके? क ख ग घ इनी च च ज झ इनिया, ये जो लिखेंगे इसे अपन व्यंजन बोलेंगे, ओके? क से लेके ज्ञा तक लिखने को व्यंजन बोलते हैं बच्चों। समझ में आया आपको? व्यंजन किसे कहेंगे? व्यंजन यानी कि क ख ग घ इ नी च छ झ झ इ नी य ट ठ ढ ढ ण त थ ध ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। क से लेके जब आप लोग ज्ञा तक लिखेंगे तब इसे व्यंजन बोलेंगे, क से लेकर ज्ञा तक, ओके? व्यंजन बोलेंगे उसे। चलिए बच्चों, अपन पहले ही प्रीवियस क्लास में का से लेके अपन शा तक पढ़ चुके हैं ना बच्चों। का से लेके अपन शा तक पढ़ चुके हैं, इसको आप प्रैक्टिस भी कराएं किस तरह से लिखना है और किस तरह से पढ़ना है। जब ये अक्षर आप पढ़ेंगे तो इसकी कैसी आवाज़ आएंगी ये भी मैंने आपको बताया है ना प्रीवियस क्लास में, याद है बच्चों? तो आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, ये लास्ट लाइन पढ़ेंगे आज की क्लास में, ओके? व्यंजन की लास्ट लाइन, आखिरी लाइन यहाँ पे आज अपनी क्लास में पढ़ेंगे, श स ह क्ष त्र ज्ञ, ओके? ये पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, हमेशा की तरह पहले अपन व्यंजन को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, ओके? ठीक है, रिवाइज करेंगे अपन। चलिए शुरू करते हैं। बोलो बच्चों, ये क्या है? पहला क्या है अक्षर, ये क्या बोलेंगे इसे, क्या है ये? क, वेरी गुड। क ख ग घ इनी, क ख ग घ इनी, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ओके? चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ, ओके? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये अक्षर पढ़ने पे, कौन सा अक्षर पढ़ने पे कैसी आवाज़ आएंगी, अंत में लास्ट में किस तरह से आवाज़ आएंगी, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ना। चलिए फिर एक बार मैं आपको ये रिवाइंड कराऊंगी, ओके? का पढ़ने पर आपको किसकी आवाज़ आएंगी? आ की आएंगी, सिर्फ क आ की आवाज़ आ रही है ना बच्चों, क। ख पढ़ने पर किसकी आवाज़ आएंगी बच्चे अंत में? ह की, क ख क ख। ग पढ़ने पर फिर आपको आ की आवाज़ आएंगी, ग आ रही ना बच्चों अंत में, आ की आवाज़ आ रही ना, क ख, ये क्या है? ग आ की आवाज़ आ रही ना इसमें, ओके? चलिए दूसरा अक्षर क्या है यहाँ पे? घ, घ में क्या आ रही, कौन सी आवाज़ आ रही है अंत में? हा की आवाज़, घ, ओके? इनी, क ख ग घ इनी, ओके? चलिए दूसरी लाइन भी आपको इसी तरह से पढ़ना है। इसी में आपको फर्स्ट अक्षर जो रहेगा इसमें सिर्फ आ की आवाज़ आएंगी, च में सिर्फ आ की आवाज़, च छ, छ में हाँ की आवाज़, च छ। दूसरा देखिए, ज, ज में सिर्फ आ की आवाज़ आएंगी आपको, ज, ओके? चलिए उस ज झ, झ में आपको कौन सी आवाज़ आ रही बच्चों? हाँ की आवाज़, ज झ। देखिए फिर इनिया, ज झ इनिया, ओके? तीसरी लाइन देखिए, ट, ट में कौन सी आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? आ की आवाज़, ट ट ठ ट ठ, हाँ की आवाज़ आ रही है ना बच्चों यहाँ पे, ट ठ। इसके बाद तीसरा अक्षर देखिए, ड, ड में कौन सी आवाज़ आ रही है बच्चों? आ की आवाज़, ड ड ढ, ढ में कौन सी आवाज़ आ रही? हाँ की आवाज़ आ रही, ड ढ है ना, ड ढ, ओके?
चलिए फोर्थ लाइन देखिए, त त में कौन सी आवाज आ रही, अ की आवाज, त थ त थ थ बोलना है आपको झटके से, हा की आवाज आना है इसमें, त थ द द में आ की आवाज, द ध न द ध न ओके। चलिए फिफ्थ लाइन, प फ ब, यहाँ पर आपको फ नहीं बोलना है, फ प फ ब भ ब भ, हाँ की आवाज आ रही है ना, ब भ म ओके, प फ ब भ म। चलिए य र ल व श, य र ल व श। चलिए श स ह अक्ष त्र ज्ञ। चलिए बच्चों आपको ये व्यंजन किस तरह से पढ़ना है ये तो समझ में आ गया है ना, अब आपको मैं लिखना बताऊंगी। ऑलरेडी मैं आपको कहाँ से लेके श तक ये प्रीवियस क्लास में किस तरह से आपको लिखना है ये मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताया था ना। चलिए फिर से आपको एक बार यहाँ पे रिवाइंड कराऊंगी कहाँ किस तरह से लिखना है आपको। देखिए पहले स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, ओके, देन स्लीपिंग लाइन, ओके, इस तरह से आपको लिखना है। हाँ ऐसे लिखना है आपको, ओके, देन स्लीपिंग लाइन ग स्मॉल डी, ओके, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ओके, ऐसे लिखना है बच्चों आपको ये अक्षर, उल्टा त्री घ, ओके, स्लीपिंग लाइन, देन इनी स्टैंडिंग लाइन एस स्लीपिंग लाइन, ओके। चलिए चा देखिए, फर्स्ट क्या करना है आपको यहाँ पे, स्लीपिंग लाइन यू बनाना है आपको सेकेंड, देन स्टैंडिंग लाइन, ओके, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। चलिए छा देखिए, उल्टा थ्री, इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं, आपको यहाँ पे राउंड बनाना है, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ओके, देन जा, जा देखिए, यू बनाना है आपको, यू बनाकर आपको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ओके, देन स्लीपिंग लाइन। झा देखिए, झा को आपको पहले स्टैंडिंग लाइन यहाँ पे, फिर एस, इसी तरह से कंटिन्यू नीचे करना है यहाँ पर, ये लाइन आपको यहाँ से टच करते हुए ही झा में ये स्टैंडिंग लाइन बनाना है आपको, थर्ड स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, इसे हिंदी में शिरोरेखा बोलेंगे, ओके, ये शिरोरेखा आपको अंत में लगाना है बच्चों, ठीक है। झा बन गया आपका, अब देखिए इनिया कैसे बनाना है आपको, फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन मिडिल में, ये बीच में आपको स्लीपिंग लाइन यहाँ पर लगाना है बीच में, देन कर्व या फिर उल्टा सी, उल्टा सी भी आप बना सकते हैं, ये फिर स्लीपिंग लाइन, ओके। चर्चा झज्जा इनिया बन गया आपका, देखिए टा, टा इस तरह से बनाना है आपको बच्चों, ओके, ठ फर्स्ट इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, देन राउंड स्लीपिंग लाइन, ढ स्टैंडिंग लाइन एस देन स्लीपिंग लाइन, ओके, ढ स्टैंडिंग लाइन देन सी यहाँ पे थोड़ा सा राउंड देन स्लीपिंग लाइन, ओके, फिर अना, अना में देखिए आपको यू बनाना है, स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन, ओके। चलिए ता देखिए, ता में स्टैंडिंग लाइन देन एन, आप लोग स्मॉल एन कैसे लिखते हैं वैसा भी, ठीक है, स्लीपिंग लाइन। था देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले राउंड बनाकर फिर यू बनाना है इस तरह से, यू बना के आपको स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन, ओके। दा देखिए, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन देन सी, यहाँ से आपको राउंड करते हुए यहाँ पर नीचे लिखना है, ये रेखा नीचे खींचना है, फिर स्लीपिंग लाइन, ओके। धा देखिए, ये उल्टा तीर जैसे छा बनाए थे आप लोग, घा बनाए थे ना आप लोग, घा की तरह है आपको धा बनाना है, सेम यहाँ पे थोड़ा सा राउंड करना है, ओके, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन। ना देखिए, फर्स्ट आपको स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन, यहाँ पर राउंड देन स्लीपिंग लाइन, शिरोरेखा अंत में, ठीक है। पा देखिए, आपको से यू बनाते हैं ना आप, ठीक है, पहले यू बनाकर आपको स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड थर्ड स्लीपिंग लाइन, ओके। फा देखिए, स्टैंडिंग लाइन देन यू, फिर यहाँ पर आपको इस तरह से उल्टा नीचे लेना है, ठीक है, स्लीपिंग लाइन, देन बा स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट ओपन कर्व, अंदर आपको ये स्लैंटिंग लाइन लेना है बीच में, देन स्लीपिंग लाइन, ओके। भा देखिए, आपको फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से करना है आपको, यहाँ से राउंड लेते हुए आपको फिर नीचे भी आपको राउंड लेना है, ओके,
फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ओके। चलिए माँ देखिए, माँ भी यहाँ से स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से आपको माँ को हाफ लाइन लेना है, स्टैंडिंग लाइन लेकर आपको यहाँ राउंड बनाकर फिर स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन, ओके। चलिए देखिए, यहाँ देखिए आपको ऐसे बनाना है बच्चों, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, फिर स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन। रा देखिए, फिर पहले टू बनाना है आपको, इस तरह से टू बनाकर ये रेखा नीचे खींचना है, ओके, ये लाइन देन स्लीपिंग लाइन। फिर ला देखिए, फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन देन एम, जैसे कि आप लोग स्मॉल एम लिखते हैं ना बच्चों, वैसे ही आपको ला बनाना है उल्टा इधर से, ठीक है, देन स्लीपिंग लाइन। वा देखिए, स्टैंडिंग लाइन, ओके, लेफ्ट ओपन कर्व देन स्लीपिंग लाइन। शा देखिए, आपको आपको ऐसे बनाना है शा, ओके, जिस तरह से आपने रा बनाया वैसे ही शा यहाँ पे राउंड करना है आपको, इस तरह से आपको नीचे खींचना है। देखिए शाह और भा में क्या डिफरेंसेस है, ये लाइन आपको यहाँ पे इधर जा रही है आपको, और शाह की लाइन नीचे आ रही है, ठीक है, शाह की रेखा नीचे खींचना है। फिर यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन, ओके, देन स्लीपिंग लाइन, ये बन गया आपका शाह। देखिए आज देखिए शाह, श स ह अक्षर त्र ज्ञ कैसे लिखना है, देखिए पहले आपको जिस तरह से पा लिखे आप वैसे ही आपको शाह बनाना है, ठीक है, यू बनाकर आपको स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन, अंदर बीच में मिडिल में आपको स्टैंडिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन लेना है बीच में यहाँ से यहाँ तक, ओके, शाह बन गया आपका। देखिए सा, स कैसे बनाना है आपको, जिस तरह से आप रा बनाए ना वैसे ही पहले टू बनाकर आपको ये रेखा नीचे खींचना है, फिर यहाँ से मिडिल में से आपको स्लीपिंग लाइन लेना है देन स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, ओके, ये बन गया आपका सा। सा ऐसे बनाना है बच्चों आपको, ठीक है, ओके, ऐसे बनाना है आपको सा। हाँ देखिए आप, पहले यहाँ पर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन देन थ्री, आप थ्री भी बना सकते हैं, इस तरह से आपको बनाना है, ओके, फिर आप सी लिखते ना आप बच्चों, सी की तरह भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर छोटा सी, उसके नीचे और एक दूसरा सी बनाना है टच करते हुए आप, ओके, देन स्लीपिंग लाइन, क्या। अब देखिए अक्षर कैसे लिखना है, पहले आपको यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन लेना है बच्चों, स्टैंडिंग लाइन देन यहाँ मिडिल में से आपको स्टार्ट करना है श के लिए, स्टैंडिंग लाइन मिडिल में से आपको ये लाइन स्लीपिंग लाइन स्टार्ट करना है, यहाँ से लेते हुए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से ऐसे राउंड बनाना है, ओके, इस तरह से राउंड बनाते हुए आपको इधर लाना है लेफ्ट साइड आपके, उसके बाद आपको फिर राइट साइड में राउंड बनाना है, यहाँ पे राइट साइड में राउंड बनाकर आपको नीचे खींचना है ये लाइन, ओके, स्टैंडिंग लाइन छोटी सी नीचे लाइन लेना है, ओके, देन लास्ट में आपको स्लीपिंग लाइन, ओके, शिरोरेखा, ठीक है, क्षा बन गया आपका। त्रा देखिए, त्रा कैसे बनाना है आपको, पहले आपको स्टैंडिंग लाइन बनाना है बच्चों, स्टैंडिंग लाइन बनाकर आपको वी जैसा लिखते हैं आप इंग्लिश में, इस तरह से वी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऐसा इस तरह का वी बनाना है, जैसे लेस देन ग्रेटर देन की साइन जैसे मैक्स में रहती है आपको, वैसे आपको यहाँ पर ऐसा बनाना है त्रा, ओके, देन लास्ट में स्लीपिंग लाइन, ओके। चलिए ग्या देखिए कैसे बनाना है, फर्स्ट आपको जा, जिस तरह से आप लोग ने जा बनाया था सेम वैसे ही आपको ग्या बनाना है, पहले आपको स्टैंडिंग लाइन बनाकर आपको मिडिल में स्लीपिंग लाइन बनाना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है मिडिल में, देन यू बनाकर आपको यहाँ से थोड़ा नीचे खींचना है, ओके, नीचे खींचना है, देन लास्ट में स्लीपिंग लाइन शिरोरेखा। समझ में आया बच्चों, ये लाइन आपको किस तरह से लिखना है, श स ह अक्ष त्र ज्ञ, किस तरह से ये लाइन लिखना है और पढ़ना है, समझ में आ गया बच्चों, इसे व्यंजन बोलेंगे बच्चों, कहाँ से लेके आप ज्ञ तक लिखेंगे तो इसे व्यंजन बोलेंगे, ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। चलिए आपको आपके नोट्स में ये लास्ट की लाइन जो है श स ह अक्ष त्र ज्ञ, ये लाइन आपको आपके नोट्स में फुल पेज लिखना है बच्चों, अंडरस्टैंड। चलिए धन्यवाद बच्चों।